हरियाणा में खेल और खिलाड़ी बड़ा सियासी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोपों पर पहलवानों के प्रदर्शन से लेकर पैरिस ओलंपिक तक हरियाणा के खिलाड़ी चर्चा में रहे थे। हालांकि अब ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद बन चुके हैं, लेकिन विनेश फोगाट का खेल बिगाड़ने के लिए तमाम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। विनेश फोगाट प्रदर्शन का मुख्य चेहरा रही है। पहले कांग्रेस ने पहलवानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया था, फिर विनेश को टिकट देकर और बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पहलवानों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई। इससे पहले कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा को खेलों के लिए मिले कम बजट का मुद्दा संसद में उठा चुके हैं। पहलवानों के आरोप और जंतर मंतर पर उनके साथ हुए बर्ताव से क्या इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा? इस प्रदर्शन का हरियाणा के युवा खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ा? हरियाणा में खेल और उनसे जुड़े लोगों के मुद्दे आखिर क्या हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार उठते जा रहे हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट का खेल बिगाड़ने के लिए इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह तमाम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर ने 2016 में बलाली गांव में रेसलिंग कॉम्प्लेक्स बनवाने की भी घोषणा की थी। हालांकि ये घोषणाएं इस दौर में की गई हैं जब ब्रजभूषण शरण सिंह WFI के चीफ थे, लेकिन अब की स्थिति बदलती नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये बिल्डिंग लगभग 4 साल से बनकर तैयार रही थी, लेकिन इसमें सुविधाएं नहीं थी और इसी के चलते कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की जो नाराज़गी थी वो उस वक्त से उठती नजर आ रही थी। आपको बता दें मौजूदा परिस्थिति में विनेश फोगाट जो हैं वो जुलाना की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर इस बार विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि लगातार विनेश फोगाट का नाम चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह हाल ही में ये बड़ा ऐलान कर चुके थे कि अब विनेश का खेल वो बिगाड़ते नजर आएंगे। देखना ये अहम है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे ब्रजभूषण शरण सिंह आखिर विनेश फोगाट के लिए ऐसी क्या तरकीबें अपनाते नजर आएंगे जो विनेश फोगाट का खेल जड़ से बिगाड़ देंगी।